बताओ तो उत्पादक समूह के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, याद है ना? दीदी, उत्पादक समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि सचिव की क्या क्या जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष को बैठक या संचालन में सहयोग करना है, जिसमें सचिव अध्यक्ष को उत्पादन समूह के सारे बैठकों के आयोजन और संचालन में उसकी मदद करती है। दूसरी जिम्मेदारी है कि सदस्यों की उपस्थिति एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। सचिव को ही समूह के विभिन्न बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति खाता बही में चढ़ानी होती है। अच्छा दीदी, उत्पादक समूह के रूप में आपकी और भी जिम्मेदारी है क्या? हाँ, सचिव की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण चर्चाओं एवं निर्णयों को कार्यरत करना और विभिन्न बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करना। अच्छा, पांचवी जिम्मेदारी है समूह के विभिन्न समितियों की प्रगति पर नजर रखना। सचिव उत्पादक समूह के विभिन्न समिति एवं उप समितियों के कार्यों एवं उनके प्रगति की निगरानी करती है और अध्यक्ष को उसके बारे में समय पर सूचित करती है, ताकि समूह का सही तरीके से देख रेख हो सके। और अंतिम जिम्मेदारी है सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से संपर्क को बनाए रखना। उसके अंतर्गत सचिव समूह के कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से बातचीत कर उनके मिलने वाले सहयोग को उत्पादक समूह के सारे दिव्यों को दिलाने में मदद कर। अब हम कोषाध्यक्ष के जिम्मेदारियों को जानना चाहते हैं, आप भी अपने जिम्मेदारियों के बारे में बताइए ना। जरूर दीदी, कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी है कि समूह में आए हुए पैसा को हिसाब किताब रखना है तथा उससे समूह के सामने सही प्रकार से रखना, ताकि सभी सदस्यों के बीच पारदर्शिता बने रहे। हाँ दीदी, यह तो बहुत जरूरी है। कोषाध्यक्ष की दूसरी जिम्मेदारी है समूह के सभी नगद एवं बैंक खातों की देखभाल एवं निगरानी करना, जिससे उत्पादक समूह द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यापार जैसे इमली खरीदारी, अरहर खरीदारी इत्यादि कार्यों में नगद एवं बैठक खातों का सही प्रकार से देखभाल एवं निगरानी करना। तीसरी जिम्मेदारी है समय के अनुसार समूह के सारे खाता बही को अपडेट कराना, अर्थात नियमित रूप से समूह से संबंधित सभी खाता बही के बारे में समूह के सदस्यों को अवगत कराना, ताकि उनके बीच मतभेद ना हो और पारदर्शिता तथा विश्वास बना रहे। बहुत अच्छा दीदी, कोषाध्यक्ष के कुछ और भी काम है क्या? हाँ दीदी, चौथी जिम्मेदारी है समूह के विभिन्न स्थिति के बारे में हर बैठक में सदस्यों को अवगत कराना, जिसमें कोषाध्यक्ष समूह की वित्तीय स्थिति के बारे में हर महीने बैठक में बताया जाए। पांचवी जिम्मेदारी है वित्तीय वर्ष के अंत में समूह का ऑडिट कराना, उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 12 महीने को कहते हैं। JSLPS या NRLM के वित्तीय प्रबंधक के नियम के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा जोखा एवं दस्तावेजों को तैयार करने के क्रम अनुसार सजा कर ऑडिट द्वारा हर एक समूह को ऑडिट करवाना बहुत जरूरी है, जिसमें समूह के हर फायदों और नुकसान का पता चल सके। और अंतिम जिम्मेदारी है मासिक वित्तीय सारांश बनाना एवं कार्यकारी समिति तथा JSLPS के समक्ष प्रस्तुत करना। उसके अंतर्गत कोषाध्यक्ष को हर महीने बैठक के पहले उत्पादक समूह का वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। इससे कार्यकारी समिति तथा JSLPS से संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। आज आप लोगों ने हमें विस्तार से सारी बातें बताई और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।